पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी लंदन के वेस्ट एंड इलाके में आराम से रह रहा है। वह करीब 72 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रह रहा है। भारतीय अफसरों ने नीरव के खाते फ्रीज कर दिए हैं। इंटरपोल ने उसके गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इसके बावजूद नीरव मोदी लंदन में बिजनेस चला रहा है। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को 13,700 करोड़ रुपए का चूना लगाकर देश छोड़कर भाग गया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। नीरव मोदी ने पिछले महीने विशेष अदालत को जवाब भेजकर कहा था कि वह सुरक्षा कारणों से भारत नहीं आ सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन में नीरव मोदी को नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी जारी किया गया है, जिसके तहत वो यहाँ वैध तरीके से न केवल बिजनेस कर सकता है बल्कि ब्रिटिश बैंक के अकाउंट भी इस्तेमाल कर सकता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हमें भेजा था अर्ली अगस्त में रिक्वेस्ट के लिए, जो हमने उनको यूके साइड को दिया। सेपरेट रिक्वेस्ट आया था हमारे पास सीबीआई से, जो हमने एंड अगस्त में यूके साइड को फॉरवर्ड किया है। हमें जो अभी तक बताया गया है कि ये जो दोनों रिक्वेस्ट हैं, दोनों ब्रिटिश सरकार के विचाराधीन हैं और हमें वहां से अभी इसके बारे में इसके आगे कोई जानकारी नहीं मिली है। हमें यही पता है कि ये विचाराधीन है। जो भी कदम जरूरी होगा हमें उठाने के लिए, उनका एक्सट्रेडिशन के लिए, हम उसको उठाएंगे। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में नीरव के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। ईडी चाहता है कि नीरव को आर्थिक भगोड़ा अपराधी कानून 2018 के तहत भगोड़ा घोषित किया जाए। ईडी की याचिका पर पीएमएलए कोर्ट ने नीरव से जवाब मांगा था, जिसके बाद नीरव के वकील ने विशेष अदालत में सुरक्षा की दलील दी थी। उसने कहा था कि नीरव मोदी की वापसी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भारत लौटने पर उसे मॉब लिंचिंग का खतरा है। कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इसका हमारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई खतरा है तो नीरव को पुलिस से सुरक्षा मांगनी चाहिए। पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के करीब 147 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। मुंबई और सूरत में ये कार्रवाई की गई। ईडी देश विदेश में लगातार नीरव की प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई कर रहा है। फरवरी 2018 में पीएनबी घोटाले का खुलासा हुआ था। इससे पहले ही नीरव मोदी विदेश भाग गया था। नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए बैंकों से रकम लेकर विदेशों में ट्रांसफर की। सरकार दोनों के प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएनबी।